हाय गाइस, मेरा नाम है गुड्डू प्रजापति। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे बिना रन बॉक्स के बिना रन बॉक्स के कैसे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम सारे सॉफ्टवेयरों को, जो भी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, उन सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कैसे खोलते हैं बिना रन बॉक्स के थ्रू। विंडो आर करेंगे आप, ठीक है, या फिर उस सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको ऑल प्रोग्राम दिखाई देगा। ठीक है, उस ऑल प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे। जिस स्टूडेंट को नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यहां पे देखिए, उसको हम जूम करते हैं। यहां से मैं जूम कर रहा हूं, सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। देखिए जी, स्टार्ट बटन है, ओके, इस पे आप जाएंगे, आपको ऑल प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे एसेसरीज, आपको दिखाई दे रहा होगा एसेसरीज, इस पर आप आएंगे। आने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, देखिए कहीं सीएमडी लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम होता है सीएमडी। इस पे आप जैसे क्लिक कर देंगे आपका सॉफ्टवेयर ओपन कर देगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि शॉर्टकट खोल के मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, यहां से विंडो आर करेंगे, यहां लिखेंगे सीएमडी और एंटर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे अपने जो भी सिस्टम पे हमारे सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं या सिस्टम की इंफॉर्मेशन, जो भी चीज हम जानना चाहते हैं, ये ऑलरेडी हम यहां चला सकते हैं सिस्टम को। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इससे सिस्टम को हैक भी किया जाता है, इसी कमांड के थ्रू पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। ये अगर सॉफ्टवेयर है तो आप जान लीजिए पूरा आप सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूं कैसे खोलते हैं यहां पे सारे सॉफ्टवेयर। इसको मैं जूम करूंगा, ठीक है, जिससे आप सारी चीज देख सकें। ये देखिए यहां पे करना क्या होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हमको नॉर्मली सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़े होते हैं उनको खोलने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना होता। जैसे हमको एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट जैसे खोलना है, तो यहां लिखते हैं हम लोग एमएस पेंट और एंटर करते हैं, खुल जाता है। देखिए ये आपका एमएस पेंट ओपन हो गया, क्योंकि थोड़ा सा स्लो सिस्टम है, इसके कारण वो थोड़ा लेट में ओपन होता है। अल्ट F4 से आप बंद कर देते हैं सॉफ्टवेयर को, अल्ट F4 से, ठीक है, जैसे आप अल्ट F4 यहां प्रेस करेंगे वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहां पे जैसे नोट पैड है, वर्ड पैड है, ऐसे सॉफ्टवेयर अगर आप खोलना चाहते हैं, नोट पैड है, वर्ड पैड है, ऐसे सॉफ्टवेयर अगर आप यहां खोलना चाहते हैं, तो देखिए यहां पे उन पे स्टार्ट नहीं लिखना पड़ता है। देखिए नोट पैड आपका खुल जाएगा, ये आपका नोट पैड सॉफ्टवेयर है, ये देखिए ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ये नोट पैड खोलने का तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आप यहां कैलकुलेटर खोलना चाहते हैं, आप यहां पे कैलकुलेटर खोलना चाहते हैं, तो आप यहां लिखते हैं CALC और एंटर करते हैं CALC। ये देखिए आपका कैसा कैलकुलेटर ओपन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ये देखिए। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी ओपन कर पा रहे हैं। अगर आप यहां पे चाहते हैं कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कितने जीबी रैम लगी है, कितने जीबी हार्ड डिस्क लगा है, कौन सा वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पड़ा हुआ है, उसको जानने के लिए आपको यहां पे लिखना होगा MSINFO Info 32। ये क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो पड़ा है, मैं 32 क्यों लिखा हूं, ये देखिए यहां पे 32 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 32 लिखा है यहां पे, 32 इसलिए मैं यहां लिखा हूं। ठीक है, अगर यहां पे 64 लिखा होता, 64 और 32 बिट की दो विंडोज आती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, तो आपको जो होती वो आपको यहां दिखाई पड़ जाएगी। वैसे ही आप यहां से एंटर करेंगे, जैसे आप एंटर करेंगे, देखिए सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन आपको खुल के यहां आने वाली है। समय लग रहा है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर रहा है सिस्टम आपका। देखिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ये देखिए कुछ इस तरह दिखेगी। जी देखिए OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पड़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 प्रोफेशनल, ये आप एक शॉर्टकट के थ्रू जान सकते हैं। और देखिए सिस्टम का नेम जो भी दिया गया है वो दिखाई दे रहा है, माइक्रो कॉर्पोरेशन दिखाई पड़ा। और देखिए HP का पूरा नाम क्या है, यही HP का पूरा नाम है, देख लीजिए आज। ठीक है, अगर आप HP का नाम पूछते हैं तो। इसके बाद आप नीचे चले आइए, प्रोसेसर कौन सा पड़ा है, AMD प्रोसेसर है, AMD प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। BIOS की सेटिंग का वर्जन बता रहा है, कौन सा सिस्टम है, विंडोज पड़ी हुई है
ये आपको विंडोज के बारे में बता रहा है, नीचे चले आइए। कितने जीबी रैम लगी हुई है, 2 GB रैम बता रहा है। आपकी जो यूजुअली मेमोरी है, मतलब अवेलेबल मेमोरी है आपकी, इतनी है MB भरी चल रही है और इतना वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, अवेलेबल है। टोटल वर्चुअल मेमोरी आपके बारे में बता रहा है, ये देखिए नीचे आप आइए, यहां थोड़ा नीचे स्क्रोल बार से आप ऐसे खींच लीजिए, सारी जानकारी आपको दे देगा, पेज फाइल स्पेस सब कुछ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप जान सकते हैं कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन। और देखिए और भी कुछ चीजें जानते हैं, जैसे आपको कहा गया कि भैया ऐसा करो रन बॉक्स से नहीं, आप किसी और सिस्टम से आप खोल के दिखाइए मुझको अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर वर्ड सॉफ्टवेयर को। देखिए कैसे खोलते हैं, यहां लिखेंगे स्टार्ट एक्सेल एंटर, प्रोसेसिंग कर रहा होता है क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम स्लो होने के कारण वह आपका इतना टाइम लगता नहीं, फास्ट सिस्टम होगा तो जो समय आपके लग रहा है खुलने में सॉफ्टवेयर को, इतना समय नहीं लगता कभी भी, ठीक है, तो यह होता है एक्सेल को खोलना। इसी तरीके आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं, जैसे MS एक्सेस स्टार्ट MS एक्सेस एंटर, देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो गया, कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, बिना रन बॉक्स बिना माउस बिना कीबोर्ड के, कीबोर्ड तो हमें चलाना ही पड़ेगा, माउस के बिना आप किसी सॉफ्टवेयर को यहां से ओपन कर सकते हैं कोई भी एक्सवाइज, जैसे हम चाहते हैं कि अभी इस समय हम चाहते हैं फोल्डर बनाना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप की कंडीशन पे, 10-20-50 जितने भी आपको फोल्डर बनाना है, तो देखिए कैसे आप फोल्डर बना सकते हैं इसी वक्त। देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, थोड़ा मैं जूम करूंगा जिससे आप जान सके फोल्डर बनाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए यहां लिखेंगे CD डेस्क डेस्क, यहां लिख दिया मैंने और एंटर कर दिया, मेरा डेस्कटॉप चालू हो चुका है, इस समय जो भी काम मैं करूंगा मेरी फाइलें जो बनेगी वो डेस्कटॉप पे जाएंगी। देखिए कैसे मैं यहां लिखूंगा MD, MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी को एक डॉस की भाषा में डायरेक्टरी बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में उसे फोल्डर बोलते हैं, ठीक है, MD मेक डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कोई भी नाम, A नाम दे दो, B नाम, यहां जो भी नाम आपको ठीक लगता है वो नाम यहां स्पेस करके आप देते जाओ, ये देखो कुछ इस तरह आप नाम देते चले जाएंगे, जो भी आपको नाम चाहिए वो आप नाम दे दीजिए, दोबारा नहीं दीजिएगा, दोबारा देंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, कोई भी एक्सवाइज़ेड अगर नाम अगर दोबारा आप देते हैं तो उसे सपोर्ट नहीं करेगा। अब जैसे आप इंटर कर देंगे, कुछ नाम दोबारा आ चुके हैं, उन नामों को छोड़ दिया उसने, देखिए तुरंत नाम को छोड़ दिया है और आप देखिए कुछ इस तरह आपके कंप्यूटर में फोल्डर आ चुके हैं, ये देखिए एक साथ आप 10-20-50 फोल्डर अपने डेस्कटॉप पे बना सकते हैं, ऐसे डेस्कटॉप पे, ये देखिए जी ऐसे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, समझ गए। यह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जा सकते हैं।